हेलो, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन बेसिकली आपको पता है क्या होता है। वह ना जो भी पब्लिक कंपनी होती है, शेयर्स पब्लिक को इश्यू करने से पहले एक कोई भी पर्सन और कोई भी इंस्टीट्यूट से करवा लेते, उससे डील कर लेते कि वो उनका पूरे के पूरे जो भी सब्सक्रिप्शन है 90% सब वो करवाएंगे। तो वो जो कमीशन वो उस पर्सन और इंस्टीट्यूट को पे करती है वो अंडरराइटिंग कमीशन होता है। ठीक है, तो इसके बाद सम कंडीशंस है जो भी क्या उसको ये अंडरराइटिंग कमीशन देना चाहिए, कि मतलब कि जो भी कंडीशन जो अफेक्ट करती हैं अंडरराइटिंग कमीशन को। फर्स्ट, जो सच दिस टाइप ऑफ कमीशन मेंशन इन हर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, पहली तो क्योंकि ये कमीशन है वो कुछ ऐसा कमीशन तो नहीं है कि मतलब कि ये पहले से डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए कि कंपनी इस टाइप के कमीशन इशू करेगी या नहीं करेगी पब्लिक को, नहीं मतलब कि पर्सन्स को और इंस्टीट्यूट को। उसके बाद होता है द रेट ऑफ कमीशन मोर देन 5% तो नहीं होनी चाहिए शेयर के केसेस में, और डिबेंचर्स में 2 या 2.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो भी कंपनी शेयर्स में कमीशन पे करेगी वो उसकी रेट मेंशन होनी चाहिए उसके प्रोस्पेक्टस में। और जो भी कंपनी ने जो भी शेयर्स अंडरराइट कराए हैं, अंडर रिटर्न कराए हैं अंडरराइटर्स के, क्योंकि वो जो शेयर्स वो बिकवाएंगे उसके वो भी प्रोस्पेक्टस में मेंशन होने चाहिए। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है वो भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के डिपॉजिट होनी चाहिए विद द प्रोस्पेक्टस। और अंडर राइटर्स कमीशन को अंडर राइटिंग कमीशन जब भी दिया जाएगा कि वो एक श्योरिटी देते हैं कंपनी को कि जो भी उनके शेयर्स नहीं बिके वो खुद खरीद लेंगे उनसे। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा ब्रोकरेज। ब्रोकरेज क्या होती है? बेसिकली ब्रोकर्स आर द पर्संस दोज हेल्प द पब्लिक टू सेल देयर शेयर्स टू द लोकल पब्लिक। मतलब कि एक ऐसे पर्संस होते हैं जो डील कराते हैं एज ए मीडियोकर काम करते हैं, जो भी सेलर है और जो भी परचेजर है उनके बीच में डील कराते हैं और एक कमीशन लेते हैं और उसी को ब्रोकरेज कहा जाता है। अब बेसिकली अंडरराइटिंग कमीशन और ब्रोकरेज दोनों अलग अलग टर्म है। अंडरराइटिंग कमीशन तो वो होता है कि अगर जो भी अनपरचेज शेयर्स हैं वो पर्सन या इंस्टीट्यूट खुद परचेज कर लेगा तो जो रिस्क बियरिंग है वो तो रिस्क बियर करता है ना, कि मतलब कि नहीं बिके तो मेरे को खरीदने पड़ेंगे, तो वो हो गया अंडरराइटिंग कमीशन, उस केस में उसको देते हैं। और ब्रोकरेज होता है मतलब कि वो नहीं खरीदता, बस वो जो भी कंपनी का ऑफर होता है वो पर्सन्स को कन्वे करता है।